बजरंग दल को बैन करे कांग्रेस, नहीं तो आने वाले चुनावों में साथ नहीं देंगे मुस्लिम। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी ने उसका वादा याद दिलाया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस को 90 से 100% मुस्लिम वोट मिला है और अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपना वादा पूरा करे और बजरंग दल पर बैन लगाए। उन्होंने ये भी कहा कांग्रेस को अपना वादा निभाना चाहिए। कांग्रेस को बजरंग दल और अन्य फिराकपरस्त सांप्रदायिक ताकतों पर बैन लगाना चाहिए। यदि कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले चुनावों में मुस्लिम कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेंगे। और साथ ही ये कहा है कि आने वाले चुनावों में मुस्लिम का समर्थन नहीं मिलने की चेतावनी दी है। और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्र भारत में दंगों का जिम्मेदार भी कांग्रेस को बताया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अब ये सीधी चुनौती दे दी है कि अगर बजरंग दल को बैन नहीं करती है कांग्रेस तो आने वाले चुनावों में मुस्लिम कांग्रेस को वोट नहीं देगी।